गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप तथा चित्र। इससे पहले हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा प्रक्रिया क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, जो बच्चों के शिक्षण विधि में सुधार करता है, व्यक्तिगत हमें व्यक्तिगत अंतर उनका समझने में मदद मिलती है, और बच्चों का मापन और मूल्यांकन हम कैसे करते हैं, पाठ्यक्रम में सुधार कैसे करते हैं, और उन बच्चों का मार्ग निर्देशन कैसे करते हैं, बच्चों को अगर कोई समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, और कोई बच्चे जो अनुशासन में नहीं रहते हैं तो उनके अनुशासन में इम्प्रूव कैसे करते हैं, वो सब हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा प्रक्रिया में। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार पर केंद्रित है। आजकल यह एक शैक्षिक विषय के रूप में पढ़ा जाता है। साधारणतः यह बात चर्चा का विषय रहती है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, और इस प्रश्न के उत्तर में सर्वसम्मति से शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहकर संतोष प्रकट किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की सहायता ली जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, लेकिन केवल शैक्षिक पृष्ठभूमि में ही विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं और इनके सिद्धांत एक ही प्रकार की स्थितियों में हर जगह तथा हर संभव सत्य सिद्ध होते हैं। थर्ड है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, यह बालकों के भावी विकास के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। उसके बाद है, इस विषय द्वारा व्यक्ति की व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, इसमें मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत आदि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों को प्रमाणित किया जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान की सभी क्रियाएँ संगठित होती हैं तथा यह एक विधिवत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है माना जाता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों क्या का उत्तर नहीं देता है, बल्कि इसके द्वारा उचित शिक्षा व संतोषजनक विधियां जानकर तथा कौशलों की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है, और शिक्षा मनोविज्ञान के सभी सिद्धांतों का पुष्टिकरण हो चुका है। अब उपयुक्त विवरण के आधार पर हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में यही निष्कर्ष निकालते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान स्वीकारात्मक विज्ञान, व्यवहारात्मक विज्ञान और दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको हम विज्ञान की तरह पढ़ते हैं, इनके तथ्यों का मूल्यांकन है या स्पष्टीकरण होते हैं वो साइंस की तरह होते हैं, इसलिए हम इसको एक प्रकार का विज्ञान भी मानते हैं। अब है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं हैं वो अनिश्चित और परिवर्तनशील होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बहुत पुराना विषय न होकर नया उभरता हुआ विषय है। इसके कई क्षेत्र अभी विकास की परिस्थिति में हैं और नई नई खोजें हो रही है। फिर भी प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित कार्य क्षेत्र हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। सबसे पहला है विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। विकास तथा वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी आवश्यक होता है, क्योंकि इन अवस्थाओं का ज्ञान एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। इन अवस्थाओं की विभिन्न विशेषताओं के अध्ययन की जिम्मेदारी शिक्षा मनोविज्ञान पर डाली गई है कि बच्चे का जो विकास है, विकास की अवस्थाएँ हैं, जैसे बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, ये सारी अवस्थाएँ हैं, उनमें बच्चों का विकास कैसे होता है और इन अवस्थाओं में बच्चों को ज्ञान कैसे दिया जाता है, ये सब जानकारी है वो एक अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे अधिक निकट का संबंध है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या से होता है। कोई दो व्यक्ति समान नहीं होते और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में असमानताएँ पाई जाती हैं। उनकी योग्यताओं क्षमताओं में बहुत ही अधिक अंतर होता है, और इन सब प्रकार के अंतरों का अध्ययन है वह शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, हर एक बच्चा होता है उसका दृष्टिकोण है, उसका व्यक्तित्व है, उसका सोचने का तर्क वितर्क करने की क्षमता है, तो हर चीज़ में वो अलग अलग होते हैं, उनका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, और उनको शिक्षा है वो उनके व्यक्तित्व के अनुसार दी जानी चाहिए कि बच्चा है वो कैसे सीख सकता है। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं वो सामान्य होते हैं, वो सामान्य रफ्तार से सीखते हैं, तो उनके लिए जो शिक्षा की पद्धति है वो उनके हिसाब से अपनाई जानी चाहिए। ये है उनके व्यक्तित्व में भिन्नता।
उसके बाद है व्यक्तित्व का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की दर, विकास की दिशाएं, व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की न्यूनता का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे अगर किसी बच्चे में कोई कमी है या बच्चे का मानसिक स्तर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमें उस चीज़ का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि बच्चे का स्तर है वो सीखने का स्तर है वो कौन सा है। उसके बाद है मापन तथा मूल्यांकन। मापन तथा मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का एक आवश्यक कार्य क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की रुचियों, अभिरुचियों, व्यक्तित्व आदि के मूल्यांकन और मापन के लिए नई नई विधियां देता है, और इसके अतिरिक्त बुद्धि लब्धि को मापने के क्षेत्र में भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत विशाल है। उसके बाद है सीखने की परिस्थितियाँ। सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक अध्ययन में शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य योगदान रहता है। विज्ञान के इस युग में सीखने की परिस्थितियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सीखने की समस्त प्रक्रिया के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में इस संदर्भ को और फैलाया जा सकता है। उसके बाद है अध्यापक का मूल्यांकन। अध्यापक अपना मूल्यांकन करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सक्रिय रहता है, और इस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार की विधियों से परिचित करा पाता है और इससे अध्यापक का मूल्यांकन किया जा सके। मतलब अध्यापक का खुद का भी मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है व्यवहार का अध्ययन। सीखने की विभिन्न परिस्थितियों में बालकों के व्यवहार का अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही किया जाता है। सीखने की विभिन्न परिस्थितियों में बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक व्यवहार आदि का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की ही सहायता ली जाती है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, क्रोध ज़्यादा आता है उनको, और शारीरिक दृष्टि से कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे मानसिक व्यवहार से कमज़ोर होता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो पहले उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद उनको पढ़ाया जाता है। उसके बाद होता है अनुसंधान। अनुसंधान के क्षेत्र में भी शिक्षा मनोविज्ञान का हस्तक्षेप रहता है। इस अनुसंधान शिक्षा के बीच से संबंधित होता है, और किसी भी शैक्षणिक शिक्षा के बारे में अनुसंधान करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है निर्देशन तथा परामर्श। शिक्षा मनोविज्ञान का एक आवश्यक क्षेत्र उभर कर सामने आ रहा है, और वह है निर्देशन या परामर्श। एक सफल अध्यापक के लिए परामर्शदाता बनने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। मतलब बच्चे को निर्देशन देना है और उसकी समस्याओं का समाधान करना है, तो उससे परामर्श करना और उस बच्चे को निर्देशन देना, ये अध्यापक पर डिपेंड है, और उसे शिक्षा का मनोविज्ञान का ज्ञान कितना है। उसके बाद है समूह गतिशीलता तथा समूह व्यवहार। समूह व्यवहार तथा समूह गतिशीलता का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि विद्यार्थी भी समूह में रहता है, समूह में सीखता है, समूह में खेलता है, वह समूह के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। मतलब बच्चा ग्रुप में रहकर एक्टिविटीज़ करता है, उसका ग्रुप में उसका बिहेवियर कैसा है, सभी बच्चों के साथ उसको उसका मिलता जुलता व्यवहार है या नहीं है, तो इन चीज़ों का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। उसके बाद है समायोजन। विद्यार्थियों के समायोजन के अध्ययन का क्षेत्र भी बहुत ही विस्तृत होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय भी इससे अछूता नहीं रह सकता। कक्षा में और कक्षा से बाहर संवेगात्मक रूप से या सामाजिक रूप से कुसमायोजित होने की परिस्थिति में शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही इन समस्याओं का हल किया जा सकता है, और उपयुक्त वर्णन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं अनिश्चित हैं तथा परिवर्तनशील होती हैं, क्योंकि शैक्षिक समस्याओं को किसी भी सीमा में बांधना अति कठिन होता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का विषय भी अपने विकास की अवस्था में होने के कारण किसी भी सीमा में बांधना नहीं चाहता है, क्योंकि बच्चे के व्यवहार का ज्ञान है, बच्चा एक्टिविटीज़ करता है, और बच्चे की अवस्थाएँ हैं, बच्चे का व्यक्तित्व है, उसका मापन मूल्यांकन है, उसकी सीखने की परिस्थितियाँ हैं, उसका व्यवहार है, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारा जो विषय है उसको स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कोई भी बाउंडेशन या सीमाएं नहीं होनी चाहिए।